हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की इस क्लास में। और आज की क्लास भी बाकी क्लास की तरफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही पास में बने बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ऑल वाला प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रेखाओं से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे अभी तक फेसबुक पेज आर्ट प्रिपरेशन को फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को आप जुड़ सकते हैं दोनों से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस एक ही मोटिवेशन लाइन है आप सभी लोगों के लिए कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो प्लीज़ मन में आप अपने डर मत रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। इसी के साथ आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311 से। ठीक है, 311 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती है उन्हें कहते हैं, वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आवृत रेखाएं, संधि रेखाएं, दोनों, ए और बी, ऊपर में से कोई नहीं। तो जो रेखाएं एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं आवृत रेखाएं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक दूसरे का अनुकरण करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आवृत रेखाएं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 312, क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से कौन से प्रभाव की रचना होती है? क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से कौन से प्रभाव की रचना होती है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांति। ठीक है, क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से प्रशांति उत्पन्न किया जाता है। क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं विश्राम, शांति तथा निष्क्रियता आदि व्यक्त करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 330 देखिए, चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? संघर्ष, स्थिरता, स्थायित्व, गति। चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो चक्राकार रेखाएं जो है ये गति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, साथ ही आप याद रखेंगे वर्तुल या चक्राकार रेखाएं जो है ये लावण्य तथा माधुर्य, गति, इन सब का प्रभाव रखती हैं। और सीधी लंबवत रेखा की बात की जाए, सीधी जो लंबवत रेखा होती है यह रेखा इसका जो मुख्य प्रभाव है आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व व शाश्वतता है। साथ ही क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं ये विश्राम, स्थिरता, शांति व मौन व संतुलन का प्रभाव रखती हैं। कोणीय रेखाएं अगर आपसे बात की जाए तो यह रेखा व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा, अस्पष्टता का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और इसी के साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो रेखाओं का वीडियो दिया गया है, रेखा के तत्व, चित्रकला के तत्व दिए गए हैं, रंग एवं रेखा, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सभी रेखाओं का प्रभाव और सब कुछ वहाँ पर बताया गया है। आई बटन में लिंक मिल जाता है, साथ ही वीडियो के एंड में भी लिंक होता है प्लेलिस्ट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है। और शिवानी आर्ट क्लासेज आप सर्च करेंगे तो चैनल भी आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, वहाँ भी आप विजिट करके जितने भी वीडियोस हैं क्रम से सभी वीडियो को देखें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 314 देखिए, लंबवत रेखा व्यक्त करती है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कला से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो वहाँ भी पूछे जाते हैं निश्चित रूप से। तो लंबवत रेखा क्या व्यक्त करती है? विश्राम, शक्ति, उत्तेजना, इनमें से कोई नहीं, अभी हमने आपको बताया था। तो लंबवत रेखा जो है ये शक्ति व्यक्त करती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 315, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर आप देख सकते हैं और देखिए यहाँ पर, ये देखिए वृत्त से ये जीवा है आपका, ये व्यास है, ये केंद्र है, साथ ही ये आपकी त्रिज्या हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 316 देख लीजिए।
तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? स्थिरता, उद्दीप, प्रमाण, गति, व्याकुलता। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, व्याकुलता। तिरछी रेखाएं जो होती हैं ये व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 317, क्षैतिज रेखा द्योतक है, नाटकीयता, निश्चलता, सक्रियता इनमें से कोई नहीं। क्षैतिज रेखा किस चीज़ का द्योतक होती है? निश्चलता। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और कर्णवत रेखाएं जो होती है इसको आप ध्यान रखेंगे, व्याकुलता, नाटकीयता, उत्तेजना, बेचैनी का भाव प्रकट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318, औजारों से खींची गई रेखा होती है कठोर, कोमल, लचीली इनमें से कोई नहीं। औजारों से खींची गई जो रेखा होती है ये कठोर होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पे रेखाओं से रिलेटेड हैं, तो आप एक वीडियो ये वाला ज़रूर देख लेंगे तो आपके रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 319, सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर्स का उपयोग किस में किया जाता है? खेलने में, कोण मापने में, समांतर रेखाएं खींचने में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सेट स्क्वायर्स जो होता है इसका उपयोग करते हैं समांतर रेखाएं खींचने में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 320, देखिए चार से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है। चार से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? आयत, वर्ग, बहुभुज, त्रिभुज। तो चार से अधिक रेखाओं से अगर घिरा हुआ समतल क्षेत्र है तो वो आपका हो जाएगा बहुभुज। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, क्षितिज रेखा, दृष्टि रेखा। आंसर क्या होगा? स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं तो आप सभी लोग सभी वीडियो को देखिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, जिससे आपके जो भी मित्र होंगे उनको भी हेल्प मिलती रहेगी। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। राइट आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग चित्र में कौन सा भाव लाता है? सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग चित्र में कौन सा भाव लाता है? विश्राम, स्थायित्व, व्याकुलता, उत्तेजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थायित्व। सीधी लंबवत रेखा का जो प्रयोग है ये चित्र में कौन सा भाव लाता है? स्थायित्व का भाव लाता है। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएं और सभी लोगों को उसका लाभ मिलता रहे, आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएँ, आपको आपकी मंजिल मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 323, एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? व्याकुलता, शांति, गति, अस्थिरता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? शांति दर्शाती है। सीधी पड़ी अथवा क्षैतिज रेखा जिसे हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं, तो मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता इन सभी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 324, देखिए समानांतर रेखा का क्या अर्थ है? जो आपस में नहीं मिलती, जो आगे मिल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपस में नहीं मिलती, ऐसी रेखा जो आपस में नहीं मिलती समानांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? गोला, बेलन, शंकु, वर्ग। राइट आंसर सी हो जाएगा, शंकु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती हैं। चक्राकार रेखाएं, कर्णवत रेखाएं, सीधी पड़ी हुई रेखाएं या फिर कोणीय रेखाएं। रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती हैं। आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर आप किया करें, इससे आपका भी विश्वास होगा कि आपकी बेहतर तैयारी हो चुकी है।
तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती है? चक्राकार रेखाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्राकार रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्षितिज रेखा, क्षैतिजवत रेखा, ठीक है, सॉरी, क्षैतिजवत रेखा, अदृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है ये, दृष्टि रेखा हो जाएगा आंसर। और ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों से ही लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 328 देखिए, एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है। एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होता है? 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2:1, ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 329, परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं क्षय वृद्धि, पोत, रेखा, गठन। परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर सी हो जाएगा, परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330 देखिए, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? व्याकुलता, अशांत, शांत, गतिमय। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, शांत भाव उत्पन्न करती हैं क्षैतिज रेखाएं, विश्राम, शांति, निष्क्रियता, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331, ऋजु कोण कौन सा है? 80 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 450 डिग्री, ठीक है। तो ऋजु कोण कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 180 डिग्री। 180 डिग्री का जो कोण होता है वो आपका ऋजु कोण होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 180 डिग्री का जो कोण होता है ये ऋजु कोण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऑप्शन बी है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं तो समान हों परंतु सभी कोण समान, सभी कोण नहीं, समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हों तथा समस्त कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो कोण समकोण हों, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एलटी आर्ट वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो कोण समकोण हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ये आपका गलत कथन है। और यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, इस चीज़ को आप एग्ज़ाम में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों आपके सही हैं और यहाँ पर गलत पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 333, एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, वृत्त, घन, वक्र। ये पीजीटी का क्वेश्चन है जो आपके 2016 में पूछा गया था। तो एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? बाह्य रेखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334, रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं? खड़ी रेखाएँ, सीधी पड़ी हुई रेखाएँ, चक्राकार रेखाएँ, ये सभी। रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं? रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। खड़ी रेखाएं भी होती हैं, सीधी पड़ी हुई रेखाएं भी होती हैं और चक्राकार रेखाएं भी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335 देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है परिप्रेक्ष्य, पोत, रूप, रेखा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखा, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन, अच्छा रेखांकन। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छा रेखांकन, ठीक है। राइट आंसर डी, ये पीजीटी 2016 का प्रश्न है।
तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? अच्छा रेखांकन, राइट आंसर डी हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखेंगे भारतीय चित्रकला जो है ये एक रेखा प्रधान कला मानी जाती है और भारतीय कला धर्म प्रधान कला है। अगर भारतीय चित्रकला आपसे पूछा जाए, इस चीज़ को आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, भारतीय चित्रकला पूछी जाए तो रेखा प्रधान कला है, लेकिन अगर बात की जाए भारतीय कला की तो वो आपकी धर्म प्रधान कला होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337 देखिए। रेखाएं जो उत्तेजना शक्ति और गति दर्शाती हैं, चक्राकार रेखाएं, कर्णवत रेखाएं, सीधी पड़ी हुई रेखाएं, कोणीय रेखाएं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्राकार रेखाएं। राइट आंसर ए, चक्राकार रेखाएं। चलिए एक बार यहां पर आपको रेखाओं का थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा चक्राकार रेखाएं हैं जो उत्तेजना शक्ति और गति दर्शाती हैं। कुंडलित या चक्राकार रेखाएं आप देख सकते हैं, ठीक है। चक्र की आकृति वाली रेखाएं उत्तेजना शक्ति गति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, साथ ही लयपूर्ण गति को भी ये व्यक्त करती हैं। तो ये हैं आपकी कुंडलित एवं चक्राकार रेखाएं, ठीक है, चित्र में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोणीय रेखाएं, तो कोणीय रेखाएं जो हैं तीक्ष्ण एवं तीखे कोण बनाने वाली सीधी रेखाएं, संघर्ष व्याकुलता आघात को व्यक्त करती हैं। तिरछी या कर्णवत रेखाएं जो होती हैं ये संक्रमण गति एवं क्रियाशीलता को प्रकट करती हैं। निश्चित ही एक क्वेश्चन आपको रेखाओं से रिलेटेड देखने को मिलेगा एग्जाम में, एक या एक से दो क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 338, किसी वस्तु व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आकार, स्वरूप, मेल करना, अवस्था। ये यूपी पीजीटी का ही क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। किसी वस्तु व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकार। ठीक है, किसी वस्तु व्यक्ति या क्षेत्र को बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे आकार कहते हैं, और अगर किसी पुंज अथवा घनत्वपूर्ण बनावट ही रूप आकृति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 339, एक लयबद्ध रेखा होती है सीधी, क्षैतिज, घुमावदार, इनमें से कोई नहीं। लयबद्ध रेखाएं जो होती हैं अभी हमने ऊपर बताया, घुमावदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन बी है, एक समबाहु त्रिभुज सदैव एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। ऑप्शन सी है, त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोण अधिक कोण होते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन डी कह रहा है, न्यून कोण त्रिभुज के सभी तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। ये हरियाणा पीजीटी 2018 का प्रश्न है, तो 340, क्वेश्चन नंबर 340 का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य पूछा गया है? तो राइट आंसर सी होगा, त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोण अधिक कोण होते हैं और अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है वो। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341, एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है 2n-4 × 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 342, बिंदुओं के मिलान को कहते हैं पोत, रेखा, लय, रूप। बिंदुओं के मिलान को क्या कहते हैं? राइट आंसर बी हो जाएगा, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334, कर्णवत रेखाएं प्रतीक हैं शांति की, बेचैनी की, माधुर्य की, प्रसार की। कर्णवत रेखाएं जो होती हैं ये बेचैनी प्रदर्शित करती हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? शांति, आकांक्षा, व्याकुलता, शक्ति। कोणीय रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 345, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 360 डिग्री का। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346, ये आपके हरियाणा पीजीटी में आया हुआ है। नियमित समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, 360 डिग्री अपान बाह्य कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 347, बिंदु 2.3 की एक्स माइनस अक्ष पर कितनी दूरी होगी? राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 348, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्राविधिक कला के आ जाते हैं, तो इसको भी आप देखते हुए चलेंगे। एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? शांति, स्थिरता, विश्राम, गति। चक्राकार रेखाएं जो हैं ये गति का प्रभाव छोड़ती हैं, राइट आंसर डी। ये आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा भी गया था, तो चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? गति, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350 देखिएगा, अभिकथन, यहाँ पर अभिकथन वाला ये क्वेश्चन आ गया है और ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो अभिकथन क्या है? रेखा और वॉश दोनों वॉश पेंटिंग में महत्वपूर्ण है, ये सही है। तर्कार बताया जा रहा है कि संपूर्ण दृश्य अथवा बारीकियों का चित्रांकन हेतु रेखा का उपयोग नहीं किया जाता और तस्वीर को बड़ा करने अथवा एकीकृत करने हेतु वॉश का उपयोग नहीं किया जाता, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही और आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 351, एक त्रिभुज जिसमें सभी कोण समान होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर ए, समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसमें सभी कोण समान होते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352, सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, ऑप्शन ए है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके विकर्ण असमान होते हैं, ऑप्शन बी है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण असमान होते हैं, ऑप्शन सी में है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑप्शन डी है, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 353, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ पर नॉट वाला क्वेश्चन है, बिंदु उस चिन्ह को कहते हैं जिसका आकार नहीं होता, रेखा दोनों दिशाओं में असीमित होती है, रेखाखंड दो बिंदुओं के मध्य रेखा का एक हिस्सा होता है, रेखाखंड दो बिंदुओं के मध्य की अधिकतम दूरी को प्रकट करता है। तो जो सत्य नहीं है वही आपसे पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों आपके सही हैं, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं टीजीटी 2010, टीजीटी 2011, बीएचयूआर 2012 और भी एग्जामों में पूछे हुए गए हैं ये प्रश्न। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है, राइट आंसर होगा सी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या है? रेखा है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्याकुलता। ठीक है, राइट आंसर बी, व्याकुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या होता है? रेखा, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में किसका महत्व है? रेखाओं का महत्व है, राइट आंसर है बी।
और भारतीय कला पूछी जाए तो धर्म प्रधान कला है, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उक्त सभी, सभी यहाँ पर सही हैं। भारतीय चित्र यानी चित्र में जो रेखा है आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है और चित्र को उभारती है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, रेखाओं की प्रकृति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सुमेलित करना है, यहाँ पर सहजता, दूरी, ऊंचाई एवं शक्ति, झंझावात एवं तनाव, तो देख लीजिए सहजता जो है ये आपकी वर्तुल रेखाएं हो जाएंगी, दूरी दूरी आपकी क्षैतिज रेखाएं, ऊंचाई एवं शक्ति की बात करें तो ऊर्ध्व रेखाएं, झंझावात एवं तनाव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है उलझी हुई रेखाएं, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 361, कौन सी रेखाएं व्याकुल मनः स्थिति की प्रतीक हैं, कौन सी रेखाएं व्याकुल मनः स्थिति की प्रतीक हैं, प्रवाही रेखाएं, लंबवत रेखाएं, एक पुंजी रेखाएं, कर्णवत रेखाएं, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कर्णवत रेखाएं, आरपीएससी का ही ये क्वेश्चन है 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, कला की पारिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को किस रूप में स्वीकारा जाता है, रेखा, आकार, रंग, आकृति, 362 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363, सीधी घुमावदार, जिग जेग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं, सीधी घुमावदार, जिग जेग, विकर्ण, क्षितिजीय ये सभी शब्द जो है किस तत्व को वर्णित करते हैं, आकार, रेखा, रंग, अंतराल, सभी क्वेश्चन आरपीएससी के आ गए हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे आरपीएससी वाले भी, सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ पे बहुत ही नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं इस नई यूथ कंपटीशन बुक में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा, ये सभी रेखाएँ हैं, सीधी रेखा, घुमावदार रेखा, जिग जैग, ऐसे पैटर्न जो होता है, विकर्ण, क्षितिजी, ये सभी रेखाएँ हैं, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, कर्णवत रेखाएं प्रतीक हैं, शांति, बेचैनी, प्रसार, माधुर्य, कर्णवत रेखाएं किसकी प्रतीक हैं, तो ये हैं बेचैनी की प्रतीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं, रेखा, स्केच, टेक्सचर, शेप, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366, अभिकथन है, रेखांकन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, रेखांकन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, तो ये आपका सही है, तर्क देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का सृजन संभव नहीं है, ये भी आपका सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर, तर्क, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 367, कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में स्वीकारा जाता है, आकृति, आकार, रंग, रेखा, 367 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रेखा, कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को रेखा के रूप में स्वीकारा जाता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368, दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसके पार्ट हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को आप लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो ही कीजिए, लेकिन वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को भी आप क्लिक कर लें, और हमारे चैनल पे अगर अभी तक आप विज़िट नहीं किए हैं तो ज़रूर विज़िट करें, निश्चित ही आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 369, इनमें कौन सी रेखा का विशेषक गुण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रण, ये रेखा का विशेष गुण नहीं है, नियंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 370, सरल रेखा क्या है? सरल रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी ही सरल रेखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 371, एक खड़ी रेखा किस भावना को उत्पन्न करती है? एक खड़ी रेखा किस भावना को उत्पन्न करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरव का प्रतीक है। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 372, दृश्य कलाओं का मूल तत्व है। तो दृश्य कलाओं का मूल तत्व क्या होता है? रेखा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 373 देख लीजिए, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। टीजीटी 2001 का प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो रंग के साथ किसका महत्व है भारतीय चित्रकला में? रेखाओं का। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 374 देखिए, निम्नलिखित में से स्केच में क्या विशेषता है? तो रैखिक गुण, बोध, तान, बिंदु। ये टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। स्केच में क्या विशेषता होती है? रैखिक गुण। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रैखिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 375, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं। रेखा, आकार, पोत, स्केच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा। किसी भी एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? रेखा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 376 देख लीजिए, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? अब ये आपका केवीएस 2018 का प्रश्न है, रेखीय गुण, पोत, तान, बिंदु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखीय गुण। ठीक है, स्केच में क्या दिखाई देता है? रेखीय गुण दिखाई देता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आज का लास्ट का प्रश्न रहेगा। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलन। बोतल का रेखांकन करने के लिए बेलन का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हों। तो आप लोग लाइव क्लास को शेयर करते हैं बट वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी शेयरिंग होगी, नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बेस्ट प्रिपरेशन करते रहें, मेहनत करते रहें, निश्चित ही आप सफल होंगे। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।